कैग ने कहा, यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार ने सस्ते में खरीदा राफेल। कैग की राफेल विमान सौदे से जुड़ी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हुई। इसमें कहा गया कि नए सौदे में 2.86% की बचत हुई है। संसद में राफेल पर कैग की रिपोर्ट पर हंगामा, राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। राज्यसभा का 31 जनवरी को शुरू हुआ सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। लगभग पूरा सत्र विभिन्न दलों के हंगामे की भेंट चढ़ गया और पूरे सत्र में महज 3 घंटे से कुछ अधिक समय ही काम हो पाया। राफेल पर कैग रिपोर्ट पर जेटली का बयान, महागठबंधन का झूठ हुआ बेनकाब। राफेल सौदे पर संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महागठबंधन का झूठ बेनकाब हो गया और सत्य की जीत हुई। राहुल गांधी ने कहा, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ देने के लिए हुई राफेल डील। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राफेल लड़ाकू जेट विमानों के दामों और उनकी जल्दी आपूर्ति संबंधी सरकार की दलीलें भी ध्वस्त हो गई हैं। कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि राफेल सौदे को करने का एकमात्र कारण उद्योगपति अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देना है। राहुल पर पीएम मोदी का तंज, संसद में आकर पता चला गले मिलने और गले पड़ने का फर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं लोकसभा को संबोधित करते हुए आज जमकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसे। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में पहली बार आंखों की गुस्ताखियां देखी गई और पहली बार ही सदन में गले मिलने और गले पड़ने का अंतर पता चला। साथ ही उन्होंने तंज कसा और कहा कि सुना था संसद में भूकंप आएगा। राफेल पर कैग रिपोर्ट, मायावती बोली, क्यों संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी से नहीं कर रही काम। राफेल डील पर कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि राफेल विमान सौदे पर बहुप्रतीक्षित सीएजी रिपोर्ट जनता की नजर में आधी अधूरी। यह न तो संपूर्ण और न ही पूरी तरह से सही। बीजेपी सरकार में क्यों संवैधानिक संस्थाएं अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रही है, देश चिंतित है। मुलायम सिंह यादव ने कहा, मेरी कामना है मोदी फिर बने प्रधानमंत्री। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लोकसभा में बोलते हुए मुलायम ने कहा कि वह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि जितने सदस्य इस बार जीत कर आए हैं दोबारा वह जीत कर आए। दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक, महिला झुलसी। दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में तड़के झुग्गियों में आग लगने की घटना सामने आई है। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे लगे। इस आगजनी में एक महिला झुलस गई है जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इस आगजनी में 200 से ज्यादा झुग्गियां चपेट में आ गई थी। जयपुर में लगातार दूसरे दिन ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से की पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा बीकानेर में कथित जमीन घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश हुए। कुंभ 2019, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कुंभ में स्नान के बाद गंगा आरती की। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह प्रयागराज में कुंभ मेले में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने पवित्र संगम में सीएम योगी के साथ डुबकी लगाई। कुंभ में स्नान के बाद अमित शाह ने गंगा आरती की और त्रिवेणी का पूजन भी किया।